गाजा को शमशान बनाने वाली इजरायली सेना पर अब वेस्ट बैंक में भी कत्लेआम के आरोप लगने लगे हैं। दरअसल गाजा में तबाही का दौर देख चुकी पूरी दुनिया अब वेस्ट बैंक में बढ़ती हलचल देख रही है। पिछले कुछ दिनों से इजरायली कब्जे वाला वेस्ट बैंक अशांत हो गया है। गोला बारूद की गूंज यहाँ भी सुनाई देने लगी है। इजरायली सेना की बढ़ती गतिविधियों ने प्रतिरोध लड़ाकों को हवा दी है। अब फिलिस्तीन के चरमपंथी समूहों की वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना के साथ तीखी झड़प हो रही है। हमास लड़ाकों की दबिश के लिए घनी आबादी से पटे शहरों में इजरायली सेना लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने बड़ा दावा कर इजरायल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। समूह ने कहा कि इजरायली बलों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में कायराना हरकत को अंजाम दिया। इजरायली सेना ने एक 16 साल की फिलिस्तीनी लड़की को गोली मार दी। दावा है कि इजरायली फौज ने उसे आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक मेडिकल हेल्प से दूर रखा। इजरायली बलों ने लड़की को खून से लथपथ मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे उसका बहुत ज्यादा खून बह गया और उसने दम तोड़ दिया। अगर समय रहते घायल लड़की को मेडिकल हेल्प मिल जाती तो उसे बचाया जा सकता था। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी इजरायली सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। संगठन ने कहा कि वेस्ट बैंक के शहर जेनिन पर खतरनाक हमले के बीच इजरायली सेना स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में बाधा डालने के लिए कोशिश कर रही है। यातायात को बाधित करके और एम्बुलेंस को निशाना बनाकर लोगों की देखभाल में देरी कर रही है। इजरायली सैनिकों ने 58 साल की फिलिस्तीनी महिला का अपहरण करने के कुछ घंटों बाद उसका शव काफरदान में स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपा। सरकारी अस्पताल के निर्देशक विषम बकर की माने तो मृतक शरीर पर हथकड़ी और मारपीट जैसे निशान थे। न्यूज एजेंसी WAFA के मुताबिक तुलकर्म शहर में दो और फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सैनिकों ने शहर पर छापा मारा, एक घर को घेर लिया और उस पर गोलीबारी की। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उनके शव इजरायली बलों की ओर से ले लिए गए हैं। वेस्ट बैंक में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 30 हो गई है। पीड़ितों में 6 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। UN ने चेतावनी दी है कि गाजा में इजरायली नरसंहारक हिंसा वेस्ट बैंक में फैलने का खतरा है। इजरायली न्यूज वाला की माने तो वेस्ट बैंक में इजरायली ऑपरेशन लंबा खींचने की उम्मीद है। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली बलों की तैनाती इजरायली रक्षा मंत्री यो गैलेंट के आदेश पर हो रही है। इजरायली सेना अतिरिक्त सीमा रक्षक इकाइयों, इंजीनियरिंग वाहनों, स्पेशल रिजर्व बलों और इन्फेंट्री स्कूल के सैनिकों के साथ इलाके को मजबूत करने की योजना बना रही है। इस बीच इराक के इस्लामिक प्रतिरोधियों ने 4 सितंबर को एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें बताया गया कि ड्रोन का इस्तेमाल कर कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके को हाइफा के बंदरगाह को निशाना बनाया। इससे पहले बीते 29 अगस्त को उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में एलोन टैबोर पावर स्टेशन को इराकी प्रतिरोध ने निशाना बनाया था। वहीं वेस्ट बैंक के नबल्स में अल कुदस ब्रिगेड ने इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाकर कई विस्फोटक उपकरणों से धमाका किया। इससे कई जवानों के हताहत होने की खबर है। इस बीच अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने नबल्स में इजरायली बलों के खिलाफ एक IED ब्लास्ट किया। इससे सेना की टुकड़ी में हड़कंप मच गया।